मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सियासी दलों में फैसलों की शुरुआत हो गई है। पहला फैसला युवा कांग्रेस में आया है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह यादव ने संगठन में एक बड़ा निर्णय लेते हुए युवा कांग्रेस के सभी 203 विधानसभा अध्यक्षों को उनकी कार्यकारिणी सहित भंग कर दिया है। उनके द्वारा यह निर्णय लोकसभा और विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए लिया गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता अजय सिंह ने लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद 6 जून को कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सहित प्रदेश इकाई के प्रमुख जीतू पटवारी पर निशाना साधा। अजय सिंह ने एक बयान में कहा, उन्हें पार्टी छोड़ने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर भी चर्चा होनी चाहिए। चुनावों में पार्टी की हार के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे का अज्ञात जालसाजों ने सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया। उनके लिंक्डइन अकाउंट और फेसबुक अकाउंट को हैक कर पासवर्ड बदल दिए गए। पीएस गृह ने अपनी एफबी आईडी पर पोस्ट साझा कर जालसाजों से बचने की नसीहत दी है। लोकसभा चुनाव के बाद अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव जल्द ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में। प्रारंभिक तैयारी हो गई है। डीजीपी सुधीर सक्सेना के 2 साल मार्च 2024 से पूरे हो गए हैं, इसलिए वे तुरंत बदले जा सकते हैं। वीरा राणा का एक्सटेंशन पूरा होने से पहले मुख्य सचिव डीजीपी बदलना तय हो गया है। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को भी मौसम के 2 रंग देखने को मिलेंगे। भोपाल में सुबह बूंदाबांदी हुई। इंदौर समेत 37 जिलों में कहीं आंधी गरज चमक की स्थिति रहेगी तो कहीं बारिश भी हो सकती है। वहीं ग्वालियर भिंड दतिया निवाड़ी टीकमगढ़ छतरपुर रीवा मऊगंज में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भाजपा की राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने अब की बार 400 पार के नारे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, हमने यह कहा था कि अब की बार 400 पार, यह नहीं कहा था कि इस बार 400 पार, यानी यह नारा अगले चुनाव के लिए कहा था। सीएम मोहन यादव ने कहा, एनडीए का संख्या बल बढ़ेगा। उज्जैन में कांग्रेस नेता रियाज खान को वक्फ बोर्ड ने 7 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस दिया है। शिकायत के बाद रियाज के खिलाफ खारकुआ थाने में FIR भी दर्ज कर ली गई है। उन पर वक्फ बोर्ड की जमीन पर स्थित दुकानदारों से वसूली का आरोप है। बाल सुधार गृह से हत्या सहित अन्य सनसनीखेज मामलों में बंद 5 बाल अपचारी भाग गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आज सुबह यह घटना हुई है। ग्वालियर के सिटी सेंटर स्थित बाल सुधार गृह से एक बार फिर बाल अपचारी भाग निकले। लगातार ये तीसरी घटना है जिसमें बाल अपचारी भाग गए हैं। भोपाल के शाहजहांबाद इलाके में स्थित बड़ा बाग कब्रिस्तान के पास तेज रफ्तार बस की टक्कर से एक ऑटो पलट गया। गुरुवार सुबह हुए इस हादसे में ऑटो में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चालक सहित 5 लोग घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक कलेक्टर कार्यालय में काम करता था। पुलिस ने मर कायमी कर बाद मामले की जाँच शुरू कर दी है। लोकायुक्त रीवा ने एक बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई करते हुए उपयंत्री जोनल अधिकारी जोन क्रमांक 2 नगर पालिका निगम सतना को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने 37,000 रुपए की मांग की थी, जिसमें 11,000 रुपए की राशि लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने दबोचा है।